Hello friends, all are not on the same boat, but the question paper and selection process are common for each and everyone. जी हाँ, आप सभी जितने भी स्पीडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी का जो है लेवल डिफरेंट है इन एवरी डायमेंशन. कोई इंजीनियर है, कोई साउथ इंडिया से, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई कैट का स्पीडेंट है, कोई मैथ का एक्सपीरियंट है, कोई दो बार जो एग्जाम्स लिख चुके हैं SBI का, और कोई जो है कई सारे एग्जाम्स वो लिख चुके हैं, कई कुछ जो है आपके UPSC के एक्सपीरियंट से. तो सभी का लेवल डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सभी का कॉमन है. जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें मेरिट लिस्ट में जो तैयार होगी आपका अपर साइड से, जो टोटल ओवरऑल जो 2000 जो वैकेंसी है 2000 प्लस, तो अपर साइड से आपके टोटल सिलेक्शन प्रोसेस में वो मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, वो पिक कर लेंगे. उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि किनका क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, तो पेपर उनके रिस्पेक्टिव में सेट किया जाए. नहीं, डज नॉट मैटर, दे हैव सेट ए स्टैंडर्ड पैटर्न. इन दैट पैटर्न हूसोएवर इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर, दे विल सेलेक्ट दैट कैंडिडेट्स. अब यहाँ बात आती है कि आप लोगों का सेपरेट सभी का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है. अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं. अगर साउथ इंडियन कोई है, उसका इंग्लिश कॉम्पिटेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, ये उसका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है. अगर इंजीनियर की बात करें, उसका मैथ कॉम्पिटेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 4 ईयर्स वो लगातार जो है मैथ के सेक्शन में वो काम करते हैं, और रिलेटिवली उनका जो है रीजनिंग सेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. अगर कैट के एस्पिरेंट की बात करें, तो कैट का एस्पिरेंट मैथ रीजनिंग इंग्लिश काफ़ी हाई लेवल का जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और क्वालिफाई कर चुके हैं नेशनल लेवल का, तो उनका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है. तो जो कैट के एस्पिरेंट है उनके लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है एप्टीट्यूड को क्लियर करना. अगर UPSC के एस्पिरेंट से, उनके लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि वो हाई लेवल का जो ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको समझने की बात है ये सारे बैकएंड के स्टोरी को, क्योंकि अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझ पाए तो आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स, नहीं हो रहा एग्जाम पे एग्जाम लिख रहे हैं, नहीं हो रहा, और भी कई तरह की बातें होती हैं. आप जैसे रिजर्वेशन की आप देखिए कि रिजर्वेशन का आप में से सभी लोग जो है ने सुना है, बहुत सारे डिस्प्यूट और ऑन गोइंग ये चल रही है. तो रिजर्वेशन के बारे में जो ये कहा गया है कि ये एक अनफेयर एडवांटेज दे देता है कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं. मतलब एक तरह का ये भी है, उनको एक जैसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का एक फैक्टर है, वैसे ही आपका रिजर्वेशन जो है आपका एक ओनली वन फैक्टर है. रिजर्वेशन होने के कारण से कैंडिडेट का कट ऑफ कम जाती है, बस एक ये फैक्टर के लिए सारे लोग जो है इसके बारे में डिस्प्यूट करते हैं और इसके बारे में सोचते भी काफ़ी हैं. लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का इससे कितना गुना ज़्यादा फर्क पड़ता है. या रिजर्वेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन रिजर्वेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनफेयर एडवांटेज दे देता है ये सिलेक्शन प्रोसेस के में. तो और ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है. अब देखिए यहाँ पे कि एक मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है पर्पल गाओ, पर्पल काओ, मतलब ये मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले या प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन, अनयूजुअल पैटर्न पे आपको देने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपका कंज्यूमर्स का सबकॉन्शियस माइंड उसे रजिस्टर कर सके. सेम वैसे ही SBI PU के एग्जाम में ये इतना जो 9 to 10 lakh इतना जो ज़्यादा क्राउड है, इसमें से आपको क्या ऐसा चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, और वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको SBI PU के सिलेक्शन में कैसे वो हेल्प करने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम आपको मेजर टेक अवेज जो SBI PU के सिलेबस में है वो बताने वाले हैं, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके अपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के साथ. अब यहाँ पे देखिए कि जो सेक्शनल कट ऑफ जो है SBI PU में नहीं है, नीदर प्रीलिम्स नोर मेंस. आपका सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स में मैथ इंग्लिश रीजनिंग है ही नहीं. मेंस का सिलेबस रीजनिंग एंड कंप्यूटर DI जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ओनली है. अब यहाँ पे आप ये समझिए, जब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है या दो जो एग्जाम में कट ऑफ है, तो डिफरेंस क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रही है. एंड डिफरेंस क्या क्रिएट हो रही है कि जो एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ है, तो वैसे कैंडिडेट जो सेक्शनल कट ऑफ मतलब उनका कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई एक सेक्शन में वीक है. जैसे एग्जाम्पल मैथ वीक है लेकिन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता था कि मैथ में ही जो अपना प्रिपरेशन का टाइमिंग होता था वो हमेशा मैथ में ही उनका ज़्यादा टाइम चली जाती थी, और ज़्यादा टाइम इसलिए देना पड़ता था क्योंकि जब तक वो कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे आगे क्रॉस नहीं कर सकते. लेकिन अब उनके ये SBI वाले एग्जाम में उनको ये लिमिटेशन तो है ही नहीं, जब उन्हें कट ऑफ क्लियर करने का टेंशन है ही नहीं, तो वो अपना सारा जो मेजर एफर्ट्स है वो अपना तो पुट उसी सेक्शन में करेंगे जहाँ पे वो स्कोर ज़्यादा ला सकते हैं. जैसे इंग्लिश का उनका स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे.
तो यहाँ पे ये सेक्शनल कट ऑफ के कारण से दो तीन बातें हैं। पहला तो एक ये कि ये कंपटीशन को और बढ़ा दिया है, कट ऑफ को बढ़ा दिया है, जैसे जो कैंडिडेट जो सेक्शनल जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी वन इज हैविंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो जिनका स्ट्रेंथ इंग्लिश है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान पहले उनको ये स्ट्रैटेजी रखना पड़ता है या दूसरे एग्जाम में ये स्ट्रैटेजी रखना पड़ता है जिसमें कट ऑफ रहते हैं सेक्शनल और ओवरऑल। एक तो कि उन्हें सेक्शन में चाहे मैथ उनका काफ़ी वीक है फिर भी उन्हें सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना होगा, तो इतना तो उन्हें प्रैक्टिस करना है जिससे कि वो कर सके। तो उनका जो रेगुलर स्टडी शेड्यूल होता, जो अपने प्रैक्टिस होता, उसमें उनका एक मेजर कंपोनेंट पढ़ने का जो है उसमें चला जाता, जो उनका वीक एरिया है। आप उल्टा साइड देखिए, जो कैंडिडेट का इंग्लिश वीक है एंड मैथ स्ट्रॉन्ग है जैसे इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस है, तो अब इनको जो है इंग्लिश के पीछे उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अब जब SBAPO में जब सिलेबस में है ही नहीं सेक्शनल कट ऑफ, ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में, तो उनको तो इस बात की सरदर्दी है ही नहीं कि आपको सेक्शन के पीछे जो है जो टफ सेक्शन है जिसमें वो वीक है उस पर वो ज़्यादा फोकस्ड करें। उनको तो ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है, तो जो एरिया से वो स्कोर बढ़ा सकते हैं लिबर्टी उनकी बढ़ गई। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव, अब किस तरह से आपके साथ रिलेट होता है ये डिपेंड करता है। अगर आप उन कैंडिडेट में आते हैं जिनको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत आती थी, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप उन कैंडिडेट में आते हैं जिनको कोई टफ नहीं था सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, ये आपके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि कैंडिडेट जो लोगों का सेक्शनल वाले में दिक्कत होती थी अब उनके लिए एडवांटेज हो गया, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ ये जो काफ़ी आगे ओवरऑल स्कोर जो है काफ़ी इनका ऊपर चला जाएगा। सेक्शनल में नहीं हो पाएगा लेकिन ओवरऑल, सेक्शनल का तो मैटर करता नहीं तो ओवरऑल में इनका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ जाएगी। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये डिपेंड करेगा कि ये आपके साथ ये कैसे कोरिलेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए कि कट ऑफ का SBAPO का जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का और मेंस की देखें, तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ किया है आपका 58.5 से 43.75 आपका प्रीवियस लिमिट 2020 का जो SBAPO का हुआ था, जी हाँ, अराउंड 59 से आपका 44 ST कैटेगरी वाले के अराउंड 44 गए एंड जनरल कैटेगरी वाले के जो है 59 कट ऑफ गए। अब आउट ऑफ 100 में आपको सिर्फ इतना कट ऑफ लाना है, तो ऑब्वियस बात है जो स्ट्रेंथ एरिया है जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस प्रपोर्शन आप स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करके वो अचीव बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब मेंस का सिलेबस, मेंस का कट ऑफ देखिए प्रीवियस ईयर का, तो 2020 का जो कट ऑफ था ST कैटेगरी के लिए 67 एंड अराउंड एंड जनरल कैटेगरी के लिए 89 था कट ऑफ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, ये जो कट ऑफ आपको क्लियर करना है इसके लिए आपको पहले सिलेबस की गहराई को देखना की जरूरत है। अब सिलेबस में आप थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए, प्रीलिम्स में जो है इंग्लिश क्वांट रीजनिंग तीन सेक्शंस 30, 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के लिए 30, 35 मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, और टाइमिंग जो दिया है तीनों के लिए 20-20 दिया गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए 20 मिनट अगर सफिशियंट है, तो क्या मैथ के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट सफिशियंट है? ऑब्वियस बात ही नहीं, क्योंकि वो तो टाइम तो वहाँ पर लॉक कर दिया गया है। 20 मिनट्स अगर इंग्लिश में आपको दिया गया है तो वो 20 मिनट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं मैथ के साथ, ये तो क्लियर है आपका। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इंग्लिश का अगर आपका जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइम आप इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं दूसरे सेक्शंस में, तो और दूसरा मैथ के लिए कभी भी सफिशियंट 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स नहीं हो सकते, या और लेवल ऑफ जो डिफिकल्टी है ये काफ़ी मैटर करता है। अगर ईजी है कॉम्पिटिटिवली टाइम कम लगती है फिर भी आपका 35 क्वेश्चन जो है पर मिनट आपको एक मिनट भी वक्त नहीं मिल रही है, आपको तो इवन लेस अराउंड हाफ मिनट्स मिल रही है पर क्वेश्चन, ये पॉसिबल ही नहीं होती है। रीजनिंग के लिए भी सेम, 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स मिल रही है, तो ये 20 मिनट्स में आप रीजनिंग में क्या पर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जैसे एग्जांपल जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, वो यहाँ पे बहुत बड़ा इनका ये हो जाता है एडवांटेज मिल जाता कि इंग्लिश में उनके पास जो 20 मिनट में इंग्लिश के चाहे आप देखिए एक खेल इंग्लिश के सेक्शन में 20 मिनट्स में चाहे आपको नॉलेज है इंग्लिश का नहीं है स्ट्रॉन्ग है वीक है एवरेज है आप डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन को आप वो पढ़ेंगे कोशिश भी करेंगे अटेम्प्ट करने का। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो आपने उसमें टाइम डेफिनेटली दिया गो थ्रू हुए, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है जो वीक है टाइम देने के मामले में और कॉम्पेटिवली कम टाइम लगता है जो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, मतलब 20 मिनट्स में वो जो 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन सारे जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट भी कर लेंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, और स्कोर भी कम बनेगा उसमें, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का केस है जिसके कारण से जो है आगे निकल पाते हैं। अब आते हैं मेंस पे,
अब मेंस के सिलेबस में आप देखिए कि इंग्लिश का जनरल इकोनॉमी बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शंस है, मतलब जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर, ये तीनों में जो है आपका नॉलेज बेस्ड है और इसमें आपका काफ़ी स्कोरिंग है। मतलब जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपका 60 मिनट, जिसमें कि आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर है, तो वो 60 मिनट टाइम है, उसमें से आप टाइम निकालने कंप्यूटर के लिए, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। आपका 35 मिनट टाइम दिया गया है आपका जनरल अवेयरनेस के लिए, और टोटल 40 क्वेश्चन है एंड 35 क्वेश्चन दिया गया जिसके लिए आपको 40 मिनट्स टाइम दिया गया इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, इसके लिए जो टाइम दिया गया, जितने क्वेश्चन है, आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। डिपेंड करता है आपने कितना प्रैक्टिस किया इन सेक्शंस में। अब आते हैं हमारा दूसरा जो है रीजनिंग डीआई के सेक्शंस में। रीजनिंग और डीआई का सेक्शन जो है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी उसमें है, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो आपका इस सेक्शन में टाइम ज़्यादा लगने के कारण से आप स्कोर कम बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ अगर इन सारे एरियाज में है, इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में है, कंप्यूटर्स में है, तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और कट ऑफ तो ज़्यादा है नहीं, आपको मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी लगे 89 कट ऑफ किया है। 89 में भी आपका जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो है 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स में तो ऑलरेडी आप जो 40+ स्कोर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप 40 स्कोर कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। बैंकविज का प्लेटफॉर्म जो स्पेशलाइज है, सुपर स्पेशलिस्ट है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, आप वहाँ पे जाके फ्री मॉक्स ले सकते हैं, इवेल्युएशन वहाँ करवा सकते हैं, आप जो एक्चुअल इंटरफेस मिलता है वो सारे वहाँ पे मिलते हैं। तो इससे आपको भी पता लग जाती है कि आउट ऑफ 89 में से आप 40+ स्कोर तो डिस्क्रिप्टिव साइड ही कर लिए, इधर आपका इंग्लिश का है, जनरल अवेयरनेस का है, इधर कंप्यूटर का है, तो ये सारे का भी आप जो है बड़े अच्छे से स्कोर करके ओवरऑल, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ की तो अब प्रॉब्लम है ही नहीं SBI PO में। दूसरे एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ है, तो यहाँ पे अगर आप अगर SBI PO को अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, दूसरे एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन फीस से खराब हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि दूसरे एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ अधिकांश में है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि जो इन सारे चीज़ों को अच्छे से गहराई से समझ के प्रिपेयर कीजिए, और ताकि आप जो है ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सके। बैंकविज प्लेटफॉर्म आपका जो स्पेशलाइज है डिस्क्रिप्टिव के लिए, आप रेगुलर यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न से हमारी टीम एवरी टाइम रेडी रहते हैं। आप मॉक टेस्ट वहाँ फ्री में अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ सबसे आपका इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव का स्कोर है ये काफ़ी वल्नरेबल होता है, कंप्लीटली ये ओपन एंडेड है। मतलब आपका मार्क्स अगर यहाँ पे एप्टीट्यूड में 5 मार्क्स आपका ऊपर या नीचे जो लेवल है वहाँ से ले जाना, जितना टफ है उसमें जो है फिंगर टिप्स पे ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि जो ये एनालिसिस अभी हमने आपको बताया है, इसके बेस बना के आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।